यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चे लोग आप सभी? नमस्कार, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मैं मोनू त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों एन एकेडमी के वाईफाई बैंक चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि भी आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, तब तक मैं लिंक थोड़ा शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। या सो कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सही है। हाँ एक बार बच्चों कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को वॉइस अच्छे से आ रही है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम सभी लोग जो अभी जुड़े हुए हैं वो वाइफ एन एकेडमी चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है? आप जो क्लासेस देख रहे हो वो एन एकेडमी चैनल का ही एक वाईफाई बैंक है जिस पर आप क्लासेस देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या मिला है बच्चे? बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसके लिए? बैंक प्रिपरेशन के लिए है। क्या नाम है? सिर्फ एक नाम है, एन एकेडमी। क्या क्या इसमें आपको मिलता है हमारे साथ जुड़ने पर? 30+ बैचेस मिलते हैं एवरी मंथ, 20 आवर क्लास मिलती है, ऑफ कंटेंट एडिट एवरी आवर, चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। मतलब 20 घंटे का कंटेंट आपको हर महीने, हर घंटे ऐड होता है, ठीक है? जिसमें से आप सबसे अच्छा चुन सकते हैं। 70 से ज़्यादा एजुकेटर हैं, ठीक है, जिनसे आप पढ़ने का मौका है। 40 हज़ार से ज़्यादा जो रिकॉर्डेड कंटेंट है, और 20 हज़ार से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो आप इनको कर सकते हैं। 98% एस्पिरेंट जो है, बच्चा जो है बैंकिंग की तैयारी के लिए, वो किस पर डिपेंड है? वो एन अकेडमी पर है। मतलब आप उसको पता है बच्चे को कि अगर मुझे अच्छे टीचर से पढ़ना है, अपना सिलेक्शन लेना है, तो किसको ज्वाइन करना होगा? एन अकेडमी को ज्वाइन करना होगा, ठीक है? चलिए, तो ये अपने कुछ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। अगर आप किसी का भी कोर्स लेते हैं तो साथ में आप इनकी क्लास भी देख सकते हैं, हमारे भी देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ अपने लिए, एक बैच चला हुआ है कौन सा भाई? SBI, ठीक है? 14 से अपना एक चला हुआ है, और नेक्स्ट जो आ रहा है वो 21 से आ रहा है, ठीक है? तो क्या है, क्या आपको इसमें मिलना है? फुल सिलेबस मिलेगा, कवरेज सभी बैंक के लिए। 2021 के टॉप एजुकेटर जो होंगे वो कंट्री का आपको कौन से पढ़ने का मौका है। PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा टेस्ट के लिए, वीकली क्विज और मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है? डिटेल में डाउट सेशंस होता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है आपका रेनो विजय बैच आ रहा है CET के लिए। तो इसमें आप कब से हो रहा है बच्चे? 14 अप्रैल से अपना ये भी स्टार्ट है, 21 से को नेक्स्ट आ रहा है। तो इसमें आपको क्या मिला है? सेम वही बात है भाई, फुल सिलेबस कवरेज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है? द कोर्स विल बी कंडक्ट इन हिंदी एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इंग्लिश। चलिए, क्या मिलेगा बच्चे? आपको PDF स्टडी मटेरियल में मिलेगा, टॉप एजुकेटर होंगे, कंट्री के अंडर एक्सेस टेस्ट होगा, वीकली क्विज मॉक टेस्ट होगा, डिटेल में डाउट के लिए सेशन आपका होना है,
ठीक है, एक SBI PO के लिए भी बैच अपना स्टार्ट है, IBPS PO के लिए भी बैच स्टार्ट है। स्ट्रॉन्ग लाइनअप क्या क्या होगा जो अपना बैच स्टार्ट है ये, ठीक है, सेम चीज़ है जो अभी हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, तो SBI और IBPS के लिए भी अपना बैचेस स्टार्ट है। ठीक है, और देखिए एक सबसे अच्छी खास बात आपके ये है कि बच्चे एक इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट हुआ बैंक एग्जाम के लिए। ठीक है, कुल राशि कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़ है। तो पार्टिसिपेट आपको क्या करना है, बैंक कॉम्बैट स्कॉलरशिप के लिए कब होता है बच्चे, कॉम्बैट एवरी संडे होता है, सुबह स्टार्ट होता है 10 बजे। तो आपको क्या करना है, हिंदी में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, एनरोल करना होगा किसान से बच्चे मोनो लाइफ से। ठीक है, तो आप एनरोल करेंगे मोनो लाइफ से तो आप इस टेस्ट को देने के लिए कैपेबल होंगे, अदरवाइज नहीं दे सकते आप इस टेस्ट को। ठीक है, फीस की बात करूँ तो देखो बच्चे मैं आपसे 1 और 3 मंथ के लिए फीस के लिए नहीं कहूँगा, कम से कम आप 6 महीने का प्लान करें तो 6 महीने में जो आपकी टोटल फीस है वो कितनी है बच्चे, 5200 रुपये। ठीक है, 1 साल की फीस कितनी है, 6500 रुपये। 2 साल की फीस कितनी है, 7800। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यूज कोड में डालना होगा मोनो लाइव, और जो भी आपको होगा इसमें आपको 15% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 15% तक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, ये अपना टेस्ट सीरीज है, और बच्चे आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चला हुआ है। अगर आप बैंक के एग्जाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चला है, अगर आप 1 ईयर के लिए लेते हैं, 1 ईयर के लेते हैं तो आपको 2 मंथ फ्री मिलेगा, और अगर 2 ईयर के लिए लेते हैं तो आपको 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ये एक ऑफर चला हुआ है, आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को, जब तक क्वेश्चन करते हैं हम तब तक मैं अपने वीडियो हटा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है, कंडीशंस बनेंगी तो उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, कैमरे को हटा लेता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। चलिए करते हैं भी स्टार्ट। ठीक है, तो जल्दी से बनाकर देखो एक बार, अगर बनता है तो जल्दी से बनाइए। चलिए भाई धीरे धीरे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की जो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और फिर करते हैं हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, सो चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन के लिए। भाई जल्दी से करना है कि कोशिश करना आप लोग भी। ठीक है, अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट करिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए। और बच्चे एवरीडे जो है हमारी क्लासेस जो है 12:30 से 2:30, ठीक है, दोपहर को, और रात को 8 से 10, ये जो अपनी दोनों क्लासेस हैं अपनी चलती हैं बच्चे अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो आप इन क्लासेस को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इनमें क्या चला हुआ, अपना पूरा कोर्स चला हुआ है। ठीक है, कोर्स चला हुआ, और अभी जो है एक बड़ा अच्छा ऑफर चला हुआ है, डिस्काउंट चल रहा है बच्चे 15% का, यूज़ कोड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोर्स लेना है तो जल्दी से जल्दी ले सकते हैं अन अकेडमी का। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, जल्दी से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, 8 पर्सन है कहाँ बैठे, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, पी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ। दो कंडीशन समझ सकते हैं बच्चे, कि हमें नहीं पता है कि उसका फेस कहाँ है, राइट है लेफ्ट है। ठीक है, कंडीशन पहली कि भाई अगर मैं ओ का फेस मानता हूँ ऊपर, पहली कंडीशन ये है। ठीक है, ओ के राइट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, क्या लिखा है, ओके राइट जो सेकंड है उसके लेफ्ट थर्ड कौन बैठा है, पी। अब भाई एक कंडीशन ये है अपनी कि भाई ओके राइट सेकंड ये होगा तो इसका लेफ्ट। अब कंडीशन दो है,
इसका ऊपर भी फेस हो सकता है, इसका नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसका ऊपर फेस मानते हैं, इसका ऊपर मानते हैं, तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। एक कंडीशन ये भी आपकी चलेगी कि भाई ओ यहाँ पर है, ये जो पर्सन होगा आप इसका फेस नीचे मान सकते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ, क्योंकि यहाँ तो आपने मान लिया, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो इसकी दो कंडीशन अलग चलेगी और नेक्स्ट की कंडीशन अलग चलेगी, क्योंकि भैया क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन गिवन है आपको, ठीक है, कि वो जो पर्सन है उसका फेस नीचे हो सकता है, उसके राइट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड ये हो गया, ठीक है, तो इसका फेस भी नीचे हो सकता है, ठीक है, इसका फेस नीचे होगा तो इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मे बी पॉसिबल भी इसका फेस कहाँ करा आपने, ऊपर करा, इसका फेस कहाँ करा, ऊपर करा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। पर्सन कितने हैं मेरे पास, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6, दो पर्सन बचे, वो इधर हो सकता है या दोनों इधर हो सकते हैं, एवरीथिंग जो भी पॉसिबल होगा। आगे क्या लिखा है, मोर देन टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, ठीक है भाई। अब यहाँ कंडीशन लिखते हैं अलग अलग, समझिएगा, आर और क्यू के बीच में कितने पर्सन है बच्चे, 2 से ज्यादा पर्सन है, आर और क्यू के बीच में 2 से ज्यादा है। आर से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है भाई, आर जो है कहाँ बैठा है, एन का फेस अगर ऊपर मानते हो तो इसके लेफ्ट बैठा है, ठीक है। क्या लिखा है, एम डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, तो एम का फेस कहाँ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, एम का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। क्या लिखा है, एस डज नॉट फेस डायरेक्शन एज एन, तो एस और एन, ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे होंगे, ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे होंगे। क्या लिखा है, पी एंड ओ नाइदर सिट एनी एक्सट्रीम एंड एडजेसेंट ईच अदर, तो भैया देखो ये कंडीशन गलत, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, अपनी एक तो ये कंडीशन हो गई है गलत, क्योंकि दोनों पड़ोसी बैठ गए, ये कंडीशन गलत, ठीक है, और एक लाइन और करना है अपने को, ये दोनों एंड पर भी नहीं बैठे हैं, तो भैया एंड पर नहीं बैठे तो पहले एक पर्सन अपना इधर रखना पड़ेगा और एक पर्सन को इधर रखना पड़ेगा, एक को इधर रखना पड़ेगा, एक को इधर रखना पड़ेगा, ये दो ही कंडीशन चलनी है, ठीक है। क्या लिखा है इसके बाद सुने, पी सिट फोर टू द राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, समझिए भैया पी का फेस पता नहीं, ठीक है, तो इसने क्या लिखा है, पी के इमीडिएट लेफ्ट, सपोज करें पी का फेस मैंने माना ऊपर, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये पर्सन बैठ जाएगा, और टी कहाँ है, राइट फोर्थ, तो इसके राइट फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। अच्छा दूसरा कर लेते हैं, पी का फेस नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल नीचे भी हो सकता है, तो इसकी इमीडिएट राइट टी, ठीक है। अगर आप इसका फेस ऊपर मानते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ तो आएगा नहीं, इसका फेस नीचे मानते तो राइट आना नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है, इसकी बात कर रहा है कि पी के इमीडिएट लेफ्ट, तो पी का फेस कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, यहाँ से इस लाइन से, इसके इमीडिएट लेफ्ट ये, ठीक है, इसके राइट जाना है फोर्थ नंबर, तो डेफिनेट सी बात है आपको इसका भी फेस ऊपर करना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ कौन आ जाएगा भाई, यहाँ आपका आ जाएगा एन, यहाँ आपका आ जाएगा, नहीं एन नहीं आएगा, टी आएगा, सॉरी यहाँ आएगा टी, ठीक है, इस जगह पर कौन आएगा, टी आएगा, मैं इसका नाम गलत लिख गया, यहाँ पर आएगा टी, तो यहाँ जो आएगा इस लाइन में कौन आएगा, टी आएगा, यहाँ पर फेस का माना जाएगा ऊपर, सेम कंडीशन ये है कि पी के इमीडिएट लेफ्ट जो है भाई, पी का फेस ऊपर माना, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये, अब इसके राइट तो आना नहीं, तो इसका फेस मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ओवर आए, तो सेम लाइक दैट है कि मुझे पी का फेस कहाँ करना पड़ेगा, नीचे, इसका लेफ्ट ये वाला पर्सन बनेगा, इसका फेस करना पड़ेगा मुझे ऑल्सो नीचे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहीं पर आएगा, तो भैया पी का फेस भी कहाँ होगा, नीचे होगा, इस पर्सन का भी फेस कहाँ होगा, नीचे होगा, तो इसके राइट फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी, ठीक है, दोनों कंडीशन अभी ऐसे चली हुई है। चलिए इसके बाद उसने क्या लिखा है आपको, ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन, एस और एन के बीच में कितने पर्सन है भैया, केवल दो, एस और एन के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, एस और एन के बीच में 2 पर्सन है। क्या लिखा है, क्यू सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, भाई टी का लेफ्ट यहां पर है, क्यू कहीं भी हो सकता है, ठीक है, एंड फेस इज अपोजिट डायरेक्शन एज टी,
ठीक है, अब समझना टी का फेस कहाँ है, ऊपर, तो क्यू यहाँ पर हो सकता है पॉसिबल, पहली लाइन में क्यू कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो क्यू जो है वो कहाँ बैठा है, टी के लेफ्ट है, क्यू जो है वो टी के लेफ्ट है, क्लियर है। और क्या लिखा है, उसने अपोजिट डायरेक्शन है टी, ठीक है। तो इसका फेस ऊपर होगा तो इसका फेस हो जाएगा अपना नीचे, कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, इसके बाद उसने दोज हु एट एक्सट्रीम एंड फेस इज सेम डायरेक्शन, ठीक है भैया, जो दोनों एंड पर है उनका फेस क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो इसका फेस ऊपर आ जाएगा, इसका फेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या लिखा है, एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर ओ और टी, एस जो है भैया ओ या टी का पड़ोसी नहीं है, एस जो है ओ या टी का पड़ोसी है, समझिए एस यहाँ नहीं आ सकता और एस यहाँ नहीं आ सकता, तो एस कहाँ आ सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे, दोनों कंडीशन में से एक जगह हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब समझिए क्या, अगर एस को यहाँ रखते हैं तो 2% छोड़ के कौन आएगा, एन आएगा, 2% छोड़ के कौन आएगा, एन आएगा, ठीक है। इसने बोला था यहाँ पे कि क्यू जो है वो कहाँ है भैया, टी के लेफ्ट हैंड है, क्यू जो है टी के लेफ्ट हैंड है, अब समझिए अगर आपने भैया यहाँ पर कौन नहीं आ रहा, यहाँ पर आपका नहीं आ रहा एस, यहाँ एस नहीं आएगा, यहाँ एस नहीं आएगा, तो इसके लिए ये और ये पॉसिबल है, अगर आप यहाँ रखते हैं एस को, यहाँ रखा एस और एन के बीच में 2% है, ऐसे यहाँ 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, एन, एन आ जाएगा। जबकि उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि क्यू जो है वो टी के लेफ्ट है, तो भैया टी के लेफ्ट क्यू तो आ ही नहीं सकता, कंडीशन गलत हो गई, तो आप एस को यहाँ नहीं रखेंगे, एस को यहाँ रख सकते हैं पहली कंडीशन पर, ठीक है, एस को यहाँ रख सकते हैं। अच्छा एस यहीं पर बैठ सकता है, बस इससे ज़्यादा बैठ नहीं पाएगा, आप रखें एस को यहाँ पर, 2% छोड़ के कौन आना है, एस और एन, इन दो को छोड़ दीजिए कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, इन दो को छोड़कर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एस और एन के बीच में, दोनों के अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा यहाँ कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा आपका, क्यू जो है टी के लेफ्ट है, ये अपना हो गया, ठीक है। एस जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है, एस जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है, एस और एन के बीच में 2% है, ये भी अपनी कंप्लीट, ये भी अपनी कंप्लीट हो गई। अच्छा क्या बोला है, एम का फेस कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो एम पॉसिबल यहाँ पे भी है और एम पॉसिबल यहाँ पे भी है, दोनों है। क्या लिखा है इसने कि आर जो है एन के लेफ्ट हैंड है, ठीक है, आर जो है आर से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, समझिए आर का फेस ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है आर, और एन का फेस नीचे भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, आर और क्यू के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है, आर और क्यू के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है, तो क्यू यहाँ पर है, ठीक है। अब आर यहाँ रखें तो 2% आएगा, तो डेफिनेट सी बात है आर को यहीं रिप्लेस करना पड़ेगा, आर और एन के बीच में कितने पर्सन है, 2 हैं, आर जो है इनके लेफ्ट हैंड है, तो एन का फेस नीचे करना पड़ेगा, एम को यहाँ रखना पड़ेगा फेस ऊपर करके, फेस ओपन करके, ठीक है। अच्छा अब कर लेते हैं क्वेश्चन में कुछ दिया या नहीं दिया वो कंडीशन देख लेते, कोई ऐसी कंडीशन जो हमारी गलत हो गई या नहीं हो। क्या लिखा है इसने, पी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है भैया, ओके राइट, ओके राइट ये है, ठीक है भाई। क्या लिखा है कि ओके सेकंड राइट, ओ ये है फर्स्ट सेकंड, ये बन गया ओके राइट सेकंड, ठीक है। और ये इसके कितने लेफ्ट बैठा है, थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठा है, पहली लाइन क्लियर हो गई। मोर देन 2% शिफ्ट रेट इन आर एंड क्यू, भैया आर और क्यू के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है, बिल्कुल है, कंप्लीट क्लाइम। आर से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, भैया आर जो है एन के लेफ्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एम डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, एम का फेस नॉर्थ में, बिल्कुल आ रहा है। आगे क्या बोला है, एस डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन एज एन, भैया एस और एन की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होगा, तो एन का नीचे है, एस का कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये अपना हो गया। पी एंड ओ नाइदर एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल नहीं बैठे हैं, ठीक है। एंड नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, बिल्कुल नहीं बैठे। टी सी फोर टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, भैया पी के इमीडिएट लेफ्ट ये है, पी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, क्यू है, और इसके राइट फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पर कौन आ गया, टी आ गया। ओनली 2% शिफ्ट बिटवीन एस एंड एन, एस और एन के बीच में केवल 2% है बैठे हैं, बिल्कुल। क्यू सी टू द लेफ्ट ऑफ टी, भैया क्यू जो है किसके, टी के लेफ्ट है, तो हमें टी का भी फेस ऊपर मिल रहा है, बिल्कुल लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। एंड फेस इज अपोजिट डायरेक्शन एज टी, ठीक है, किसका, क्यू का, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो भैया ये क्या होगी, अपनी लाइन बैठ गई गलत, ये अपनी लाइन क्या बैठ गई है, गलत बैठ गई है। किसकी वजह से गलत बैठी है, भैया ये आपकी बैठी है एस और एन की वजह से, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना है, बस एक छोटा सा चेंज होना है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हटाइए
क्यू को, आप सिर्फ यहां से हटाइए क्यू को, ठीक है, एम भी यहां रहे, ठीक है, और यहां से हटाइए आप एम को, ठीक है, बाकी टी भी यहां रहेगा आपका, एन भी यहां रहेगा, क्यू भी यहां रहेगा और आर भी यहां रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2% का चेंज कर देना है, इसने जो ये 2% वाली बात कही थी, आपको सिंपली क्या काम कर देना है, एम यहां कर देना है, ठीक है, और यहां पर कर देना है आपको क्यू, ठीक है भाई। क्यू का फेस कहां कर दीजिए, नीचे, और एम का फेस कर दीजिए ऊपर, ठीक है, क्यू का फेस कर दीजिए नीचे और एम का फेस कर दीजिए ऊपर, तो अपनी जो कंडीशन है भाई फिर फुलफिल हो जाएगी सारी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप कुछ देख लीजिए दोबारा, सारी कंडीशन मेरी चली थी, पहली लाइन क्लियर थी, मोर देन 2% आर और पी के बीच में ज्यादा आ रहे थे, ठीक है। आगे क्या लिखा था, आर से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, बिल्कुल आ रहा था, एम डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, एम का फेस अभी ऊपर है। इसके बाद क्या लिखा है, एस डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन एज एन, एस और एन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। क्या लिखा है, पी एंड ओ नाइदर सिट्स एक्सट्रीम एक्सट्रीम एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड और नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है भैया, पी और ओ जो है दोनों एक तो पड़ोसी नहीं बैठे, एडजेसेंट भी नहीं बैठे। टी सी फोर टू द राइट ऑफ द वन हाउस लेफ्ट ऑफ पी, भैया पी के लेफ्ट और इसके राइट फॉर सेकंड थर्ड फोर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है अभी भी। क्या लिखा है, ओनली 2% एस और एन, एस और एन के बीच में 2% है, बिल्कुल बैठे हैं। क्यू सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, क्यू जो है टी के लेफ्ट है, बिल्कुल बैठा है, ठीक है। एंड फेसिस अपोजिट टी, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है इसने, द वन हु सिट्स एक्सट्रीम एंड डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन, भैया इसका फेस ऊपर है, इसका फेस आ जाएगा नीचे, यहाँ से हो गया आर का भी क्लियर। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर टी और ओ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपना कंडीशन ये वाली भैया बन गई, ठीक है, ये वाली अपनी कंडीशन जो है बन गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये भाई हमें क्या करना है, अपने जो भी आंसर निकालेंगे हम इससे निकालेंगे, ठीक है, हो गया भाई, क्लियर है सबका, ठीक है। अब हम जो भी अपना आंसर निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, इस आंसर से निकालेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड ओ, तो भाई पी और ओ के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, तो आंसर किसके साथ जाएगा, चार के साथ जाएगा, आंसर किसके साथ जाएगा भी, चार के साथ जाना है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एक्सट्रीम एंड, तो भैया एंड पर कौन है, आर और एम है, तो आंसर किसके जाएगा, एम आर के साथ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, ठीक है भाई, तो एस के इमीडिएट राइट कौन है भाई, एस एस के इमीडिएट राइट कौन आ गया, क्यू आ गया, तो आंसर जो जाएगा किसके साथ जाएगा, क्यू के साथ जाना है। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एक दो तीन चार, चार पर्सन है, तो आंसर जो जाएगा किसके साथ जाना है, चार के साथ जाना है, ठीक है। एन आर पी ओ क्यू, एन आर पी ओ क्यू में कौन अलग है, एन आर पी ओ क्यू में कौन अलग है, एन का फेस नीचे है भाई, आर का फेस नीचे है, पी का फेस ऊपर है, ओ का फेस नीचे है, क्यू का फेस नीचे, तो आंसर क्या आएगा, पी अलग आएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पी अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है भाई, अपना इनइक्वालिटी है, बहुत इजी होता है, आप सभी को पता है, ये सब कुछ दिया हुआ है। पहले में क्या बोला है, एल ग्रेटर देन वाई, भाई एल ये है, वाई यहाँ पर है, दोनों में कॉमन क्या है भैया, दोनों में कॉमन एम है, तो एम ये बड़ा आ रहा है भैया, कंट्राडिक्शन हो गया, पहला गलत हो गया। एक्स और एन को पूछना है भैया, एक्स इस लाइन में है, एन उस लाइन में है, दोनों कॉमन किससे होंगे, दोबारा एम से होंगे, फिर गलत हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, नाइदर के साथ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बड़ा है जेड से, ए भैया इस लाइन में है, जेड इस लाइन में है, दोनों कॉमन किससे हैं, बी से है, तो ए बड़ा बी से आ रहा है, बी बड़ा बड़ा जेड से आ रहा है, तो पहला आएगा, बिल्कुल आएगा। टी छोटा है आर से, आर बड़ा है टी से, ठीक है भाई, आर यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, ठीक है। बी किससे बड़ा, आर से, बी किससे बड़ा, उससे, 1% जब दोनों से बड़ा था तो गलत हो जाता है कोई भी चीज़, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आएगा केवल फर्स्ट फॉलो, आंसर आएगा फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या लिखा है भाई, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एल, भाई जे यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, ठीक है,
ये कॉमन है, दोनों में कॉमन किससे कनेक्ट कर सकते हैं आप, के से, ठीक है। तो के बड़ा बराबर किससे आ रहा है, जे से, और भैया के छोटा किससे आ रहा है, एल से आ रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एल बड़ा बराबर के और के बड़ा बराबर जे, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा जे को बड़ा बराबर कह नहीं सकता, गलत हो जाएगा। दूसरा एल बड़ा बराबर के और के बड़ा बराबर ओ, तो मैं कह सकता हूँ एल बड़ा बराबर ओ से बिल्कुल है, तो आंसर क्या आएगा, फॉलो करेगा तो आंसर क्या चलेगा, सेकेंड, ठीक है। यहाँ समझिए आर किससे बड़ा है भैया, टी से। आर यहाँ पर है, टी लाइन में नहीं है, आर बड़ा बराबर टी से है, तो भैया सिंगल आ गया, पहला गलत, ठीक है, पहले ही फॉलो करा है क्योंकि बड़ा का है। एफ बड़ा है वाई से, एफ यहाँ पर है, वाई लाइन में है, दोनों में कॉमन किससे आप करेंगे भैया, दोनों में करेंगे जेड से, तो बड़ा जेड से, और जेड भी बड़ा वाई से है, तो बड़ा होगा वाई से, बिल्कुल होगा, तो आंसर क्या आएगा अपना, बहुत फॉलो, ठीक है। यहाँ समझिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, L सारी कंडीशन दी गई है आपको, ठीक है। L बड़ा है D से, भैया L बराबर D से नहीं, कंट्रडिक्शन हो गया, D बराबर L से नहीं है, तो देखिए दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ठीक है, तीनों सिंबल आ चुके हैं, तो आंसर क्या का आइदर का जाएगा, ओके। आंसर किसके साथ जाएगा भाई, आइदर के साथ जाएगा, ओके। सर्कल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से, ओके। थोड़ा कैमरा हटा देता हूँ क्योंकि कंडीशन बनानी पड़ेगी हमको, चले। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन की कंडीशंस क्या लिखा है। एट पर्सन में कहाँ बैठे हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सम ऑफ देम फेसिंग, सम ऑफ देम सेंटर, मतलब इसी सीरीज में नहीं है। चलिए तो भाई एक सर्कल अपना यहाँ पे आठ पर्सन है और एक कुछ पर्सन यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8% बैठे हैं। अब क्या बोला गया है उसने, उसने बोला है आपको, देखिए कंडीशन क्या है, पहली डी डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। डी का फेस कहाँ है भैया, डी का फेस कहाँ है, अंदर की तरफ है ना। ए सिट अपोजिट टू एच, हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ, ठीक है। ई किसके अपोजिट है, ई और एच दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। और क्या बोला है, हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ, तो वही एच जो है, एफ और एच, ठीक है, सेम फेस, सेम फेस। आगे क्या लिखा है, एफ सिट अपोजिट टू द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो भाई बी के जो लेफ्ट होगा, बी का फेस ऊपर मानता हूँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके अपोजिट, इस पर्सन के अपोजिट कौन बैठा है, एफ बैठा है, इस पर्सन के अपोजिट कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, ठीक है। क्या लिखा है, ए सी थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, समझिए क्या लिखा है कि भाई जो एफ के लेफ्ट एंड सेकंड है, इफ एफ का फेस मैं मानता हूँ ऊपर, तो फर्स्ट सेकंड, ए के लेफ्ट हैंड जो सेकंड है, ठीक है, क्या लिखा है, ए सी थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, तो इस पर्सन के राइट, ठीक है, इस पर्सन के राइट, तो भैया इसके राइट, अगर मैं इसका फेस नीचे मान लूँ तो इसके राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। फेस अभी कंफर्म किसी का भी नहीं है, अभी किसी का फेस नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ डी का था। आगे क्या लिखा है इसमें, ए सिट नॉट अपोजिट टू बी, भाई ए और बी दोनों अपोजिट नहीं बैठे हैं, अपोजिट नहीं बैठे हैं। आगे क्या लिखा है इसने, ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी, ठीक है भाई, ए और सी इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में हो सकता है, जी फेसेस सेम डायरेक्शन एज डी, ठीक है भाई, जी और डी दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है, ऊपर भी अंदर ही होगा क्योंकि डी का फेस का अंदर है,
ठीक है, तो ये दोनों कहेंगे सेंटर की तरफ फेस करके आएंगे, क्योंकि डी ने आउटसाइड तो करा नहीं है और जी और डी दोनों सेम फेस है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, हु डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद उसे आगे लिखा है नॉट मोर देन 2% सिट हु नॉट मोर देन 2% हु सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ई एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए नॉर बी, ई जो है ए और बी का पड़ोसी नहीं है, तो ई जो है ए और बी किसी के भी पास में नहीं आएगा। ठीक, आगे क्या लिखा है, ओनली टू फ्रेंड सिट्स बिटवीन डी एंड जी, भैया डी और जी के बीच कितने तो पर्सन है, 2% है, और दोनों का फेस कहाँ आएगा, सेंटर की तरफ आएगा। ठीक है, अब जैसे डी ओ जी वाली कंडीशन करता हूँ तो भैया यहाँ कहीं भी मुझे डी ओ जी वाला भी कौन नहीं मिला, वो किसको बोलेगा भैया, पड़ोसी को, हो सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब भैया ये जो है इमीडिएट किसके बैठा है, लेफ्ट सी के बैठा है। ठीक है, तो ये जो है अपनी कंडीशन है। अब यहाँ से आप भैया कंडीशन को चाहे यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये थोड़ा ज़्यादा है कि अगर आप एफ और इसकी बात करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाली कंडीशन को आप लेकर चलिए, ए एफ यहाँ जुड़ जाएगा, एफ बी यहाँ वाली कंडीशन जुड़ जाएगा, क्योंकि पर्सन थोड़ा ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, ये सो कंडीशन में जो गिवन है, कंडीशन देख लेते हैं अभी, कंडीशन अपने अपने साथ लिखते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले एग्जाम में एक यही बात होती है कि भाई हम जो है अपना क्या काम करें, क्वेश्चन की कंडीशन रखें। ठीक है, अब समझिए, उसने लिखा है यहाँ से हम कंडीशन को करेंगे सबसे पहले इसको, समझ लेना, अगर आप इससे अलग किसी को भी लेते हैं, अगर आप यहाँ से अलग किसी और को भी लेते हैं तो आप क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कंडीशन बहुत सारे बैठने के लिए बन जाएंगी। ठीक है, तो आप पहले इस काम को करते हैं कि एफ के लेफ्ट सेकंड जो है वो जो पर्सन है उसके राइट थर्ड कौन है, ए बैठा है। ठीक है, दो कंडीशन मान के चलता हूँ कि एफ का फेस अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। पहले मैं मानता हूँ मैं एफ का फेस बाहर, एफ का फेस बाहर, इसके लेफ्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके राइट थर्ड कौन बैठा है, ए बैठा है। तो मैं क्या काम करता हूँ भैया, इसके जो है इसका फेस मान लेता हूँ अंदर। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक कंडीशन अपनी ये बन चुकी है। यहाँ पे मान लेते हैं एफ को अंदर करके, इसके जो लेफ्ट सेकंड है, इसके जो लेफ्ट सेकंड है ये वाला पर्सन, इसका फेस मैं कहाँ मानूँ भाई, अगर बाहर मान दो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वही बन जाएगा ए वाली कंडीशन। तो एक काम करते हैं इसमें अंदर मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अपनी ये लाइन कंप्लीट हुई। ए और बी अपोजिट नहीं बैठे तो भैया कन्फर्म है बी यहाँ नहीं बैठेगा इसमें, और ए यहाँ है तो बी यहाँ नहीं बैठेगा। इसके बाद क्या लिखा है कि बी के लेफ्ट थर्ड कौन बैठा है, बी के लेफ्ट जो है, बी के जो लेफ्ट है उसके अपोजिट कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक है, बी के जो अपोजिट है उसके बैठा कौन बैठा है, एफ बैठा। अब समझो एफ के अपोजिट, एफ किसी के अपोजिट है, इस पर्सन क्या है, और यही जो है कहाँ है, बी के लेफ्ट थर्ड है, बी के लेफ्ट कहाँ है, थर्ड नंबर पे। तो समझिए यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ बी, बी का फेस बाहर कर सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड आएगा नहीं, यहाँ पर रख नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर बी को रख सकता हूँ, इस प्लेस पर बी को रख सकते हो, लेकिन इसका फेस कहाँ करना पड़ेगा, अंदर। इसके लेफ्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आ गया, तो इसके पर्सन कौन बैठ गया, एफ आ गया। कंडीशन ये फुलफिल हुई यहाँ पे, यहाँ पे समझते हैं, ये पर्सन एफ जिसके सामने बैठा है, ये पर्सन एफ जिसके सामने बैठा है, तो यहाँ से बैठा सकते हैं, यहाँ से बैठाएंगे तो बी को यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे भी बी की कंडीशन है कि यहाँ पे हो सकता है, इसका फेस कहाँ मानना पड़ेगा, बाहर, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ। तो मैं पहले मानता हूँ बी की कंडीशन है और बी को मानता हूँ यहाँ पे, एक कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ही हो गई। ठीक है, इसके लेफ्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बी अपना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली कंडीशन, ये अपना कंप्लीट हुई, ये अपनी कंप्लीट हुई, ए और बी अपोजिट नहीं है। ठीक है भैया, ए और बी अपोजिट नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे किसी में, बी ए भी अपनी कंडीशन क्लियर हो गई है। ठीक है, क्या लिखा है इसके बाद में उसने भैया, ए और सी जो है, ए और सी जो है इज एन इमीडिएट नेबर नाइदर ए और सी। ठीक है, इसे यहाँ पर बोला था आपको ए और सी जो है इनके फेस अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ए डज नॉट सिट अपोजिट टू बी, ठीक बात है, और ए फेसेस सेम डायरेक्शन है सी। अच्छा, ए और सी जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में करके बैठे हैं, तो इनको बाद में देखेंगे, ये भी अपनी कंडीशन क्लियर है। इसके बाद से यहाँ लिखा था कि ई और एच कंडीशन में, समझिए ई और एच जो है क्या बैठे हैं, अपोजिट बैठे हैं। समझिए भैया, इस कंडीशन पर यहाँ नहीं बैठ पाएगा क्योंकि सामने ए आ गया, यहाँ नहीं बैठ पाएगा एफ आ गया, यहाँ नहीं बैठ पाएगा, तो ई और एच यहीं पर बचे हुए हैं अभी आने के लिए, ई और एच। तो पॉसिबल है कि ई यहाँ पर, एच यहाँ पर, या एच यहाँ पर, ई यहाँ पर, कंडीशन इसमें, इसमें देखो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, सेम कंडीशन बनी है। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, एच को इसमें मान लेते हैं, ई को इसमें मान लेते हैं, और यहाँ पर ई और एच को मान लेते हैं, ई और
एच को, क्योंकि कंडीशन तो दोनों एक से चल रही है। अच्छा ई और एच क्या है, दोनों अपोजिट बैठे हैं, और एच और एफ जो है ठीक है वो फेस इज सेम डायरेक्शन एज एफ, तो एच का जो फेस है भैया क्या है, सेम डायरेक्शन में एफ का, समझिए एफ का फेस कहाँ है, अंदर, तो भैया एच का फेस कहाँ आएगा, अंदर आएगा ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, चलो जी हाँ तो आ गया। एफ के क्या बोला है इसने कि एफ के अपोजिट, जैसे एफ का फेस है ऐसे किसका फेस है, एच का फेस है ठीक है, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये मैं ध्यान रखना कि भैया दोनों अपोजिट में तभी होते हैं जब आमने सामने फेस, ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है। ये भी अपनी फिलहाल लाइन कंप्लीट हो गई, ये वाली भी अपनी हो चुकी थी। क्या लिखा है, डी का फेस कहाँ है भैया, अंदर की तरफ है, जी और डी दोनों का फेस कहाँ है, अंदर की तरफ है ठीक है। और क्या लिखा है, ओनली टू फ्रेंड्स बिटवीन डी एंड जी। अब यहाँ समझते हैं भैया, डी और जी आने के लिए यहाँ आएगा, ई कहीं आया नहीं आया, दो फ्रेंड बैठ सकते हैं, ई जी और डी के बीच में नहीं बैठ सकते, तो ये कंडीशन होगी गलत। यहाँ देख लेते हैं, जी और डी बैठाने के लिए भैया दो फ्रेंड्स है, ये एक कंडीशन बची है डी और जी के लिए, डी यहाँ पे या जी यहाँ पे या डी यहाँ पे जी यहाँ पे, दोनों का फेस कहाँ भैया, सेंटर की तरफ है। चलिए दोनों का फेस हम सेंटर की तरफ कर लेंगे, लेकिन इससे आगे कंडीशन बोली है कि ई जो है ए और बी का पड़ोसी नहीं है, ई जो है वो ना तो ए का है ना बी का है, कंडीशन क्लियर है, कंडीशन क्लियर है। आगे क्या बोला है इसने, आगे यहाँ पर बोला था उसने इस लाइन में, इफ सेम डायरेक्शन है सी, भैया ए का फेस कैसा है, बिल्कुल सी के जैसा है ठीक है, अभी सी आया नहीं आया इस लाइन को हम बाद में करेंगे। तो उसने बोला है जी और डी दोनों का है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं अंदर की तरफ, जी और डी कोई कहीं भी आ सकता है। अच्छा अब उसने यहाँ पे एक लाइन कही थी, थोड़ा यहाँ समझिएगा, उसने बोला था आपको भाई, इसने एक लाइन ऐसी कही थी कि जिसमें दो पर्सन के बारे में कहा था, किसके लिए, या नोट मोर देन टू फ्रेंड्स हु सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो जो दोनों दो पड़ोसी हैं उनका, दो का तो फेस हो सकता है, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, दो से ज्यादा नहीं हो सकता। अब समझना, इन दो का फेस कहाँ भैया, अंदर, तो डेफिनेट सी बात है मुझे इसका कहाँ करना पड़ेगा, सी का बाहर, और जैसे इसका बाहर करूंगा तो इसका भी फेस आ गया बाहर, इसका अंदर है, इन दोनों का बाहर है, इसका अंदर है, इसका अंदर है, इसका फेस है बाहर अपना हो गया ठीक है। जी और डी की बात करें तो डेफिनेट सी बात है, इस लाइन से हमारा ये भी क्लियर हो गया है कि भैया जी यहाँ पर और डी यहाँ पर होना है ठीक है। तो जी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी यहाँ पर, और डी अपना कहाँ हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा भैया डी यहाँ। तो फाइनल अपना ये नहीं होता, कौन सा हुआ था, ये हुआ था, बचा एक पर्सन उसको रख लेते हैं, ए बी क्या नहीं आया, सी नहीं आया, तो भाई सी को रख लेते हैं यहाँ पर ठीक है, सी को रख लेते हैं यहाँ पर। बाकी हमारे सारे पर्सन आ चुके हैं ठीक है, सारे आ चुके, तो अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सोल्व। ठीक है ये अपना कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो भाई पहले में क्या लिखा है, अमंग द फॉलोइंग सीट अपोजिट टू सी, भैया सी के अपोजिट कौन बैठा है, भैया बी बैठा है, तो आंसर क्या आएगा, बी के साथ आ जाएगा पहला ठीक है। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा, बी के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, हाउ मेनी फ्रेंड्स सिट बिटवीन एच एंड डी व्हेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डी, भैया जब डी से हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, डी कहाँ पर है भैया, अच्छा जी यहाँ पर है, तो भैया डी तो यहाँ पर है ठीक है, डी यहाँ पर है ना, जी और डी दोनों अपोजिट थे। तो उसने क्या बोला है कि जी के एंटी क्लॉकवाइज जब हम गिनते हैं तो किस किस के बीच में भाई, जी और डी और एच के बीच में, तो भैया डी और एच के बीच में एक दो तीन चार, कितने पर्सन आ जाएंगे, चार आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा फोर के साथ। इन सभी में एक ग्रुप बनाते हैं डी बी ई जी एच, डी बी ए जी एच, इनमें से कौन अलग है भैया, डी का फेस अंदर है, बी का फेस अंदर है, ए का फेस अंदर है, जी का फेस अंदर है, एच का फेस कहाँ भैया, बाहर है, तो आंसर क्या जाएगा, एच के साथ जाना है। आंसर क्या देखे चलेंगे हम, लास्ट का देखे चलेंगे एच ठीक है, ये लास्ट में एच है, एच आएगा। क्या लिखा है, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है भाई, तो एफ की जो पोजिशन है वो किसके बी के रेस्पेक्ट में, इमीडिएट राइट है, ग्यारह ऑप्शन पहला ही इमीडिएट राइट। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है भैया कितने पर्सन का फेस सेंटर की तरफ है, तो एक दो तीन चार पर्सन का फेस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। नेक्स्ट में बोला है आपको, चलिए ये क्वेश्चन है ठीक है, इसको तो आप कर ही सकते हैं भाई, जल्दी बताइए क्या आएगा,
करें। ओके ये सारा क्वेश्चन दिया गया, क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर स्पीड, स्पीड का कोड चाहिए। तो देखो स्पीड फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में और तीसरी लाइन में, तो मुझे देखना है इन तीनों में स्पीड के लिए क्या कॉमन आया होगा इन तीनों के लिए। तो स्पीड के लिए मैंने क्या देखा भाई, जी एच है, जी डी है, नहीं है, एक्स एच है, बिल्कुल है। तो हमारा जो आंसर बनेगा किसके लिए बनेगा, एक्स एच के लिए बनेगा। तो स्पीड का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स एच आ जाएगा, ठीक है, एक्स एच आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या डिजिटल प्लस, ठीक है भैया, डिजिटल प्लस के लिए देखेंगे। पहले लाइन में प्लस है, दूसरी लाइन में प्लस है, तीसरे में प्लस है, नहीं है, चौथे में प्लस है, तो इन तीन में प्लस होगा। तो पहली और दूसरी में भैया ये तो हो नहीं सकता है, एन पी या एस आर, एस आर यहाँ भी, एस आर यहाँ पे भी है। तो एस आर जो है, एस आर जो गया होगा किसके लिए गया होगा, प्लस के लिए गया होगा। तो यहाँ आ गया एस आर। बात करते हैं डिजिटल की, तो डिजिटल देखिए कौन सी लाइन में, लास्ट लाइन में है, सेकेंड लास्ट लाइन में है, और किसी में डिटेल है नहीं है। तो इन दोनों में मुझे लाने के लिए भैया क्या बचेगा, एच एस सी एस, ठीक है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए। तो आंसर किसके साथ जाएगा, एस जेड के साथ जाएगा, एस जेड एस आर, ठीक है, एस जेड एस आर आंसर आ जाएगा, एस जेड एस आर सी के साथ अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, अनलॉक के लिए बोला भैया, अनलॉक के लिए क्या जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं अगेन से इसमें, अनलॉक समझिए, एन लॉक कहाँ पर है, पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में ही नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथी में है। अनलॉक लाना है तो भैया देखो एन पी और जी डी में से आना है, तो क्या आ जाएगा, जी डी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आना है वो क्या आना है भैया, जी डी आना है, ठीक है। इफ द कोड ऑफ वर्ड ऑफ एडिशन का, ठीक है, अच्छा एडिशन और इन दोनों का देखना है। तो देखो अभी हमने निकाला है एडिशन का, निकाला नहीं निकाला है, ठीक है, और एन पी एच जे निकाला किसी का, एन पी एच जे निकाला, नहीं निकाला है। तो चलिए निकालना पड़ेगा भैया, किसका निकलेंगे, एन पी और एच जे। पहले हमें इन दोनों को देखना होगा कि इन दोनों का कोड क्या निकलेगा। एच जे यहाँ पर है, एच जे यहाँ पर है, कहीं एच जे ऊपर लाइन में है, नहीं। तो भैया इसका मतलब इस लाइन में एक बिल्कुल अकेला होगा, एक बिल्कुल अकेला होगा, क्यों समझिए, एच जेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, जी डी यहाँ पर है, यहाँ पर है, एस आर यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब आपने इस लाइन में एक तो कुछ छोड़ा ना, प्राइम का ही है, नहीं है। तो आंसर किसका आएगा, प्राइम का ही आएगा। तो बस सीधी सी बात है, यहाँ पर प्राइम रखकर आपका आंसर चल जाएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ प्राइम रखकर आंसर चल जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, वैल्यू को कोड जाना है। तो भैया वैल्यू इस लाइन में अकेला है, वैल्यू और कहीं भी पूरी क्वेश्चन में नहीं, वैल्यू कहीं भी पूरे क्वेश्चन में नहीं। तो आप देखेंगे एक्स एच हो नहीं सकता, एच एस हो नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल आ गया, एस सी भी नहीं होगा, क्या जाएगा, एस जेड, ठीक है, एस जेड कहीं पर है, एस जेड ये रहा। तो भैया आपका जो आंसर चलेगा, वैल्यू कहीं है क्या, वैल्यू पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन, अच्छा पहली और दूसरी लाइन, दूसरी और तीसरी लाइन में है ना। तो इन दोनों में देखेंगे एस एच हो नहीं सकता, ठीक है, एच एस ही होगा भैया, फिर तो एच एस ही होगा, ठीक है, एस सी तो नहीं हो सकता। अच्छा एस सी भी पहली और दूसरी लाइन में, बिल्कुल सही बात है भैया। तो आंसर आइदर के साथ जाएगा, इसके साथ ही देंगे, क्योंकि समझिए एस सी भी इन्हीं दो लाइन में और कहीं दिया नहीं है, और एच एस भी इन दोनों लाइन में, तो आंसर क्या जाएगा, आइदर का जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बनिए, भी क्या आएगा, जल्दी से बनाइए फटाफट से। क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए, पजल करेंगे जब तक मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया है, फिर पजल के बाद हम ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन बनाते हैं तो थोड़ा हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए।
हो गया भाई। चलिए करते हैं स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन की। चलिए भी देखते हैं क्या है। ठीक है देखो, वैसे तो आप लोगों ने कर लिया है। कंडीशन क्या है भाई, देयर आर कितने फ्लोर है भैया? 9 फ्लोर हैं। ठीक है, 1 2 सब कुछ है। टॉप मोस्ट पर क्या है भैया? नंबर है 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले कलर करते हैं पेन का चेंज, और यहाँ लिखते हैं भाई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फ्लोर है। क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? आर लिव नॉट, आर डज नॉट लिव अबोव पीज फ्लोर। तो भैया ये तो कंफर्म है ना कि आर जो है कहाँ रहेगा? पी के नीचे रहेगा। आर जो है पी के नीचे रहेगा कहीं पर। एन लिव्स ओड नंबर फ्लोर, एन कहाँ रहेगा? ओड पर रहेगा। जे एंड एल लिव एडजेसेंट टू ईच फ्लोर, तो भैया जे और एल दोनों रहेंगे साथ साथ लेकिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, रहेंगे तो साथ साथ लेकिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एल लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ नाइदर ई फ्लोर नॉर सी फ्लोर। ठीक है, एल जो है भैया किसके? ई और सी के बराबर में नहीं रहेगा। एल जो है ई और सी के बराबर में नहीं रहेगा। आगे क्या लिखा है? मोर देन वन मैनेजर लिव्स बिटवीन जी एंड ए। तो भैया जी और ए के बीच में, ठीक है, एक रह सकता है, मोर देन वन एक रह सकता है, या जी और ए दोनों साथ साथ रह सकते हैं। ये दो कंडीशन है, या तो एक रहेगा या दोनों एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? हु लिव्स बिलो एन, भैया ए कहाँ रहेगा? एन से नीचे रहेगा। तो जो ए है, जो ए है वो कहाँ रहेगा? एन से नीचे रहेगा। ए जो है एन से नीचे रहेगा। पी लिव्स एट द गैप ऑफ टू फ्लोर बिलो ईज फ्लोर। ठीक है, दो फ्लोर का गैप है, इसका मतलब ई और पी में दो फ्लोर का गैप है। ठीक है, पी लिव्स एट द गैप ऑफ टू फ्लोर बिलो ई फ्लोर एंड एट अ गैप ऑफ वन फ्लोर अबव सी फ्लोर। तो भैया ये जो है सी से एक फ्लोर ऊपर है और ई से दो फ्लोर बिलो है नीचे की तरफ। ठीक है, चल इसके बाद क्या लिखा है? सी डज नॉट लिव ऑन टॉप लोअर मोस्ट फ्लोर। ठीक है, सी ने किसके लिए मना कर दिया? एक के लिए मना कर दिया, सी ने यहाँ के लिए मना कर दिया। आगे क्या लिखा है? देर आर टू मैनेजर या टू फ्लोर लिव बिटवीन आर एंड एन। ठीक है भाई, आर और एन के बीच में कितने परसेंट रहते हैं? दो रहते हैं। हु डज नॉट लिव द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो भैया एन ने मना कर दिया, एन टॉप पर नहीं आएगा, एन टॉप पर नहीं आएगा। ये सारी कंडीशन है। ठीक है भैया, अब हमें करना है क्वेश्चन को। चलिए पहले लिखा है, इसी को देख लेते हैं भाई, ई सी पी वाली है ना, ये तो कंडीशन क्लियर है। ई सी पी वाली आ जाएगी तो हमारी ई सी भी क्लियर हो जाएगी। ई और सी के बराबर में कौन नहीं आएगा? एल नहीं आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भैया ये वाली। सी ने यहाँ के लिए मना कर दिया, नो फ्लोर है भैया। ठीक है, 9 ही मैनेजर हैं। चलिए तो पहली कंडीशन किसकी? अपनी सी वाली ये है। सी यहाँ छोड़ेंगे, इसको छोड़कर यहाँ आ जाएगा पी, और दो छोड़कर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। कंडीशन एक ही बची। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया? सी को आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इससे क्या होगा ना, हमको थोड़ा कन्फ्यूजनेबल नहीं रहेगा। ठीक है, सी अगर यहाँ है, सी ने इसके लिए अब नीचे एक छोड़ के कौन आ जाएगा? पी आ जाएगा, और इन दो को छोड़कर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, इन दो को छोड़कर कौन आएगा? और तीसरी जो अपनी कंडीशन है वो लास्ट ही चलेगी भैया, इसको छोड़कर आ जाएगा पी, और इन दो को छोड़कर आ जाएगा ई। इन दो कंडीशन पे हमारा 3 पे क्वेश्चन चलना है। ये कंडीशन क्लियर हो गई है। चलिए इसके बाद क्या लिखा है भैया? उसने उसने बोला है आपको कि एल जो है ई और सी का पड़ोसी नहीं है, एल जो है ई और सी का पड़ोसी है, तो ना एल यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, एल इन दोनों जगह आएगा नहीं। ठीक है, और ना इन दोनों जगह आएगा, तो ना एल यहाँ आया ना यहाँ आया,
यहाँ आया ना यहाँ आया, तो एन या तो पॉसिबल यहाँ पर है, सॉरी एल, एल पॉसिबल या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, या तो यहाँ पर है यहाँ पर, ये कंडीशन भी क्लियर हो गई फिलहाल इस लाइन में। अच्छा क्या लिखा है कि जे और एल दोनों एक साथ बैठे हैं, तो भैया जे एल दोनों एक साथ बैठे हैं तो देखो यहाँ पे कंडीशन है अभी जे एल को आने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे भी कंडीशन है जे एल को आने के लिए, दोनों में से एक तो बैठेगा बैठेगा इस कंडीशन पे, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा क्या लिखा है कि भैया आपका ये भी कंडीशन क्लियर होगी, आर और एन के बीच में कितने पर्सन है भैया, 2% है, ठीक है, आर और एन के बीच में कितने पर्सन है, 2 है, और एन कहाँ पर आएगा, ऑड नंबर पर आएगा, तो समझिए एन को अगर यहाँ रखता हूँ, एन को यहाँ रखता हूँ तो 2 छोड़कर आर आएगा, नहीं आएगा, एन को अगर यहाँ रखता हूँ तो इन 2 छोड़कर आर आ सकता है, आर आ सकता है, ठीक है, यहाँ रख लीजिए, एन को अगर यहाँ रखते हैं तो इन 2 छोड़कर आर आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एन ऑड पर नहीं आएगा तो ये गलत हो गया, यहाँ रखता हूँ एन को, इन 2 को छोड़कर आएगा, नहीं आएगा, तो कंडीशन अपनी ये चली है कि एन को रखिए यहाँ, इन 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ को ना जाएगा आर आ जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर आर लाते हैं तो आपको क्या करना होगा पहले कंडीशन में कि आपको एल और जे को हटाना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, तो आपने यहाँ रखा एन, इन 2 को छोड़ के यहाँ आ जाएगी आर, आर एन के बीच में 2% है, एन ओड पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये कंडीशन भी क्लियर है, ये कंडीशन भी क्लियर है। क्या लिखा है जे एन दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये भी कंडीशन है। क्या लिखा है कि आर जो है वो पी के नीचे है, आर जो है वो पी के नीचे है, तो गलत हो गया कंडीशन, तो अपनी ये क्या हो गई, गलत हो गई, आर जो है वो पी के नीचे, ये अपनी कंडीशन हो गई गलत, ठीक है, और कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ये कंडीशन गलत। इस पर आते हैं, आर जो है पी के कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा भैया, तो पी तो यहाँ पर है, इसका आर यहाँ पर हो सकता है कहीं भी, ठीक है, आर और एन के बीच में 2% है, आप यहाँ पर आर रखते हैं तो इन 2 को छोड़कर कौन आएगा, एन आएगा, एन आ गया इवन पर, तो गलत हो गया, ठीक है, आप यहाँ पर रखिए किसको, एन को, यहाँ पर एन को रखते हैं तो इन 2 को, क्योंकि एन की तो कंडीशन एक ही बची है ना, एन ने टॉप के लिए मना कर दिया, 2 छोड़कर कौन आना है, आर आना है, 2 छोड़कर कौन आएगा, आर आएगा, इन 2 को छोड़कर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, बिल्कुल कंडीशन चल रही है अभी तक, ठीक है, आर एन के बीच में एन ऑड पर आ रहा है, ये भी कंडीशन क्लियर है। जे एल दोनों एक साथ आएंगे और एल जो है ई और सी का पड़ोसी नहीं है, समझिए भैया एल ना यहाँ पर आ पाएगा ना यहाँ पर आ पाएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, जे एल दोनों एक साथ आने, जे और एल की कंडीशन गलत, तो ये भी कंडीशन गलत हो गई। इस पर आ जाइए, क्या लिखा है कि एन ओड पर आएगा और पी आर जो है पी से नीचे आएगा, तो भैया एन को ओड पर आने के लिए ये एक जगह बची, इन 2 को छोड़कर आएगा, नहीं आएगा, तो कंडीशन क्या हुई, गलत हो गई। हमने जो पहली वाली कंडीशन को गलत किया था, ठीक है, हमने जो पहली वाली कंडीशन को गलत किया था, हम उसी पर वापस चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज़ आपने देखना है, ठीक है, एक चीज जो है आपको देखना इसमें पड़ेगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले इस पर ही आ जाते हैं, ठीक है भाई, एक काम करते हैं पहले इस पर ही आते हैं वापस, जरा तीसरी बार इस पर, क्योंकि यहाँ पर अभी एक चीज और चली हुई है, भई ये कंडीशन कौन सी थी कि सी यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, और हम ये वाली कंडीशन लेके चले थे ना सी पी वाली, तो सी और एक को छोड़कर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, और दो छोड़कर कौन आ जाएगा, ई, दो छोड़कर कौन आ जाएगा, ई, 1 2 3, अरे यार सी को मैं यहाँ भी तो मान सकता हूँ भाई, ठीक है, ये एक मिनट रुकना भी जरा, ये वाली कंडीशन पे चलते हैं जरा वापस, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको हटाते हैं पहले, जरा इसको हटाइए, ठीक है, और इसको भी हटाइए, हम अपनी कंडीशन एक यहाँ लेके चलते हैं। क्या लिखा था भैया, सी को अपना पहले यहाँ रख रहे थे हम, है ना, सी को इसमें था, एक छोड़कर कौन आएगा, पी आएगा, और यहाँ 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, इन 2 को छोड़कर आ जाएगा ई, ये कंडीशन क्लियर, ठीक है। अच्छा उसने क्या बोला था कि जो आर है वो पी के नीचे है, ठीक है, आर आर और एन के बीच में कितने परसेंट आने हैं, 2 आने हैं, तो समझिए आर को यहाँ रखते हैं, इन 2 को छोड़कर एन आ जाएगा, एन आएगा इवन पर, तो ये गलत हो गया, आर को यहाँ रख सकता हूँ, आर को जैसे यहाँ रखते हैं, इन 2 को छोड़कर, इन 2 को छोड़कर एन आना है, आएगा नहीं आएगा, तो कन्फर्म है पी के नीचे जस्ट आर आएगा,
पी के नीचे जस्ट कौन आएगा, आर आएगा। जैसे आया आर आया तो एन यहाँ पर आ गया, पॉसिबल है, ये भी कंडीशन के लिए, ये भी कंडीशन के लिए एन आउट पर आ रहा है, बिल्कुल। बात आती है जे और एल की, और एल जो है ई ओ सी का पड़ोसी नहीं, तो एल यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा, एल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा भाई, ठीक है। अच्छा भाई एक बार देखो, एल ही किसका पड़ोसी है, सी का नहीं है, तो जे तो हो सकता है, जे और एल तो हो सकता है यहाँ पे, ये भी कंडीशन क्लियर है इस तरीके से, ठीक है, ये भी कंडीशन क्लियर। अच्छा क्या बोला है भैया, जी और ए के बीच में मैक्सिमम एक पर्सन आ सकता है, और ए जो है इनके नीचे रहता है, तो कन्फर्म है भैया यहाँ पर आएगा कौन, हाँ ए जो है एन के नीचे कहीं पर रहता है, ये कह रहा है ना, देर आर टू मेजर डिस बिटवीन आर एंड एन, ये अपना हो गया, मोर देन वन मैनेजर लिव्स बिटवीन जी एंड ए, यार ये तो कंडीशन गलत लग रही है, मोर देन वन मैनेजर जी एंड ए, नहीं सही तो है, जी और ए के बीच में दो से ज्यादा पर्सन बैठे हैं, ये कहना है ना, सही है भाई सही है, ठीक है। तो ए जो है कहाँ आएगा, एन से नीचे आना है, तो ए यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, ठीक है सही कंडीशन। ओके तो भाई ये बनेगा अपना, क्या बनेगा अभी कंडीशन, जी ए ई सी ये वाली सारी बन जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन का जो आंसर बनेगा अपना ये बनेगा। चलिए भाई चलते हैं, अब क्या दिखाया पहले क्वेश्चन में, चलो भाई क्या लिखा हुआ, अमंग द फॉलोइंग जस्ट अबव जे, जस्ट अबव जे के ऊपर कौन रहेगा भैया, सी भाई साहब आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिव्स ऑन टॉप मोस्ट एंड लोअर मोस्ट फ्लोर, भैया जी और एल दो ऑप्शन, सिक्स फ्लोर पर कौन रहता है, सिक्स फ्लोर पर रहता भैया ए, हाउ मैनी लिव्स बिटवीन एल फ्लोर, एल फ्लोर के नीचे कितने पर्सन रहते हैं, एल के नीचे नन रहता है, कोई नहीं रहेगा, चार एक ग्रुप बनाते हैं कौन, एन जी एल आर पी, हाँ जी आ जाएगा क्योंकि ऊपर है कॉर्नर पर, ठीक है ओके, देखिए डी ई, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन था ये अपना हो गया, अब चलते हैं डी ई सी आई एस आई वी ई, ये है, और फिर क्या लिखा है, ए ए सी एफ जी टी जी, ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर यहाँ सर आप थोड़ा सा रिलेशन देखने की कोशिश करें, ठीक है, अब पेयर बनाएं, देखिए यहाँ पे क्या है, चार पाँच तीन नौ उन्नीस नौ बाईस पाँच इक्कीस सात बीस सात छ तीन एक ग्यारह, ठीक है भाई, इनका आप रिलेशन देखेंगे तो थोड़ा सा गलत हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इनको आधा आधा करने की कोशिश करें, तो चार को छः प्लस दो, पाँच को तीन माइनस दो, तीन को एक माइनस दो, और नौ को ग्यारह प्लस दो, तो फर्स्ट और लास्ट में प्लस दो है, बाकी दोनों में सेम लाइक दैट, प्लस दो, ठीक है, नौ को सात माइनस दो, बाईस को बीस माइनस दो, और पाँच को सात प्लस, ये चीज चली है। तो सेम हमें करना है, क्या करना है भैया, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, टी एच यू एम पी आई एन जी, हमें पहले बनाना है पेयर, पेयर बना के, ठीक है, रिलेशन निकालना है, ठीक है, और फिर हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देंगे, एम में दो ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा भैया आपका, ओ, टी में दो ऐड करेंगे, तो और वी वाला चल रहा है भाई, ये वाला भी चल रहा है, चलो जिस पे देख लेते हैं, जी के बाद जो दौड़ के क्या आएगा, आई आएगा, पी के बाद दो जोड़ के क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, आई आर इसमें भी है और आई आर इसमें भी है भाई, तो यहाँ देखते हैं एस एफ,
ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों में चल सकता है। तो यहाँ देखेंगे भैया, इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यू में से दो कटेंगे, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और एस किस में, पहले ऑप्शन में, तो आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है भैया। इसमें बोला है कि आपसे कितने पेयर हैं, थोड़ा ध्यान से करेगा, पेयरिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। ए सी आर आई एम ओ एन आई ओ यू एस, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, ए से नहीं आ रहा, सी डी ई एफ जी एच आई, सी और आई का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, आगे बने निकलिए, ठीक है, आर आगे तो चलना नहीं है, तो पीछे की तरफ चल के लेके चल देते हैं, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर, देखो एन का आर से बन रहा है, एन का आर से बन रहा है, ठीक है, और किसी का नहीं बनेगा, ठीक है, एन का आर से बन रहा है तो का भी बनेगा, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, ठीक है, तो कितने हो गए, तीन हो गए। अच्छा आई का देख लेते हैं, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बन रहा, ठीक है, और कोई बन रहा है अभी, आर का हमने देख लिया, आई का नहीं बन रहा, एम के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस बन गया, ठीक है, ये बन गया, और किसी का, आर का आई से बना, आर का ओ से बना, एम के से बना, और एक इसका भी बनेगा भी, ओ एन का, एन ओ दोनों एक साथ आते हैं, क्योंकि जब मैंने आर का दोनों से बनाया तो इनका भी बनना है, डेफिनेटली ये आएगा, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ जाएगा, मोर देन फोर। चलिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या लिखा है देख लेते हैं। पॉइंट के 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जे, भाई जहाँ भी जे होगा उससे के जो है कितना मीटर साउथ में आएगा, 10 मीटर। पॉइंट जे 12 मीटर ओ, कौन भैया, जे जो है ओ से वेस्ट में, कितना मीटर, 12 मीटर। पॉइंट के 15 में वेस्ट ऑफ एल, भैया एल आया नहीं आया, ठीक है, तो पॉइंट के जो है 15 मीटर वेस्ट में एल से। पॉइंट एन इज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ एम विच इज 8 मीटर जे, ठीक है भैया, वेस्ट में जे, तो एम जो है 18 मीटर है, एम 18 मीटर ये पूछा, ठीक है, और क्या लिखा है, एन जो है कहाँ है, नॉर्थ में है, इससे 13 मीटर, ये आ जाएगा 13 मीटर, यहाँ आ जाएगा एन, और इसके बाद क्या लिखा है कि पॉइंट के जो है, हाँ पॉइंट के 15 मीटर एल, ठीक है, 15 के तो एल यहाँ पर तो आ गया, तो एल को यहाँ रख लेंगे 15 मीटर। क्या लिखा है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू टूवर्ड्स नॉर्थ, डब्ल्यू आया कहीं नहीं आया, एंड रीच पॉइंट एक्स विच इज मिड पॉइंट ऑफ जे एंड एम, भाई जी और एम का जो मिड पॉइंट है वो ये होगा, ठीक है, और ये यहाँ पर तब आया कि जब एक पर्सन ने डब्ल्यू से स्टार्ट करना नॉर्थ में 14 मीटर चलने के बाद, तो सी बात है उस पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, यहाँ से वो चला है, यहाँ क्या लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे, और जिसकी जो हाइट है वो कितना है, 14 मीटर है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा नॉर्थ में, 14 मीटर चलने के बाद कहाँ पर पहुँचा, एक्स पर पहुँचा है, एक्स पर पहुँचा, और ये पॉइंट कौन सा है, डब्ल्यू है, ठीक है। देन ही गोज 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, चलिए, एंड टेक्स 2 राइट टर्न, यहाँ से 5 मीटर और ऊपर गया और राइट टर्न लिया, 2 राइट टर्न, एंड रीच पॉइंट जे, यहाँ से पहला टर्न लिया और यहाँ से दूसरा टर्न लिया, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये मिड पॉइंट है तो कन्फर्म सी बात है भैया, ये भी 9 रही होगी और ये भी नो, जब ये नो तो ये भी नो, पक्की बात है। हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, भैया टोटल लेके चलना है तो कोई बात नहीं, 14 ये चला, 5 ये चला, 14 5 5 ये वाला चला और 9 ये वाला चला, तो 24, ठीक है भैया, 24 में आप 9 जोड़ दिए तो जो कितना आ जाएगा, 33 आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन तो सेम ही है पहले वाला, ठीक है, हम जो इसकी ये वाली लाइन है मैं इसको हटा देता हूँ,
ठीक है, क्योंकि हम बार बार इतना डायग्राम नहीं बनाएंगे और ना हमारे पास इतना टाइम है भी बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। उसे लिखा है ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एम इन नॉर्थ डायरेक्शन, एम है कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में चला, ओके 8 मीटर एंड रीच पॉइंट जी, भैया 8 मीटर, ये 13 है इसने चला 8, ये मैंने 8 मान लिया, ऊपर 5 बचा होगा 8, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आया इसका, यहाँ पॉइंट आया एम, आया एम, ठीक है। और क्या बोला है एंड रीच पॉइंट जी, अच्छा एम से चला है जी पर पहुंचा है, तो भाई ये जी पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्या है, देन ही टर्न टूवर्ड ईस्ट एंड रीच पॉइंट एच विच इज नॉर्थ ऑफ एल, तो भैया एल के नॉर्थ देख लो पहले कहाँ है, एल का नॉर्थ यहाँ होगा और यहाँ क्या होगा एन होगा, यहाँ आएगा एच, एच होगा जो एल के नॉर्थ में है और इसके ईस्ट में है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जी एच, जी एच और एच एल, जी एच एच एल के बीच का गैप लेना है। भैया जी एच के बीच में कितना है 18 और 12 कितना बना 30, जी एच के बीच में 30 बना। एच एल, एच एल देख लेते हैं भाई, ये कितना था 8, 8 ये 10, ये भाई 10 ही ऊपर है 18, आंसर कितना है, आंसर आ गया 12 ही क्या हुआ भाई। नहीं अभी कुछ गलत कर गया, सुनिए भाई इसका 9 9 18, भाई सुनो ये कितना था 10 और 8 18, 8 ये है 10 ये है ना, तो इससे तो ये खत्म हुआ, तो हमें करना है केवल 12 तो ये है और 3 ये है, 12 और 3 15 आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये 18 है वो 13 है, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कितना है अभी 18 है और वो कितनी थी 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पॉइंट पी इज 6 मीटर साउथ ऑफ ओ, ठीक है भाई पी जो है कहाँ, ओ के साउथ में, कितना मीटर 6 मीटर, पी यहाँ आ गया ओ के साउथ में 6 मीटर, ठीक है। आगे क्या लिखा है एंड पॉइंट क्यू इज नॉर्थ ऑफ ओ, क्यू जो है ओ के नॉर्थ में, क्यों जो है ओके नॉर्थ में, ओ सच दैट पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट बिटवीन पी एंड क्यू, तो ओ जो है पी और क्यू का मिड पॉइंट है, ओ जो है पी और क्यू का मिड पॉइंट है, तो ये भी 6 हो गई होगी, ठीक है। फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन के एंड क्यू, तो भैया के और क्यू के बीच में डिस्टेंस बताना है, तो के और क्यू के बीच में ये डिस्टेंस, ठीक है समझो भैया। भैया ये कितना हो गया 12 हो गया यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है। अगर मैं इसको टोटल ले लूँ तो 10 बन गया, 10 और 6 16 ले लो यार, 16 तो ये बन गया, ठीक है। मुझे K और Q के बीच में चाहिए, तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस चाहिए, ठीक है भैया। बेस कितना होगा, बेस अपना यही होगा 12, बेस अपना हो जाएगा 12। अच्छा हमारे पाइथागोरस थ्योरम चलते 3 4 5 से, 3 का कितना गुना 4 गुना, 3 4 5 से चलती है ना, ये 3 का 4 गुना है 3 चौक 12, ये 4 का 4 गुना है 4 चौक 16, तो 5 का 4 गुना क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो अपना जो आंसर निकल कर आएगा भाई, आंसर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
करिए भी जल्दी से। जल्दी से गरीबी क्वेश्चन को फटाफट से। ये क्वेश्चन है, स्पीड से करिए। ठीक है, कंडीशन बना रहा हूँ मैं, इसलिए अभी अपना कैमरा हाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही अपना क्वेश्चन हो जाएगा फिर दोबारा से हम कैमरा ओपन कर लेंगे। करे भी चलिए करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और ज़्यादा टफ नहीं है तो सीधी बात है यार, इजीली है तो कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में गिवन है 10%। ठीक है, अलग अलग है, अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर। ठीक है भाई, तो अप्रैल जून अगस्त और अक्टूबर,
क्या लिखा है 15 और 18 डेट को थे, तो भैया अप्रैल की भी 15 है और एक 18 है, ठीक है। ऐसे जून की 15 तारीख होगी और एक 18 होगी, ऐसे ही अगस्त की भी 15 तारीख होगी और एक 18 होगी, सेम लाइक दैट ऐसे अक्टूबर की 15 होगी और एक 18 होगी, ठीक है। ये है चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। लिखा क्या है, सभी अलग अलग डेट्स पर इनका क्या है मैरिज एनिवर्सरी है, और देयर आर ओनली टू पर्संस, किस किस के बीच में भैया, एफ, अच्छा केवल एफ से पहले जो है दो पर्सन की मैरिज हुई, तो कंफर्म भैया एफ कहां पर आ जाएगा, जून की 15 तारीख को आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो पर्सन का वो होना है, तो भी कहां पर आ जाएगा अपना एफ, कहां पर आ जाएगा 15 को आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो एक फिक्स लाइन बैठी अपनी कि एफ कहां आ जाएगा, 15 तारीख को आ जाएगा, एफ कहां आ जाएगा 15 तारीख को आ जाएगा। टू पर्संस एफ और एच, ऊपर आ नहीं सकता, इन दो को छोड़कर कहां आ जाएगा, एच आ जाएगा कंफर्म है, 18 को आएगा, ठीक है, इन दो को छोड़कर कहां आ जाएगा, एच आ जाएगा अपना 18, और कब आ जाएगा, अगस्त के 18 को। अच्छा दिसंबर भी है भाई, सॉरी लास्ट में एक दिसंबर भी लिखा है जो हम ध्यान ना करो, तो एक आ जाएगा आपका दिसंबर और यहाँ आ जाएगा आपका 15 और 18, ठीक है दिसंबर। चलिए तो फिलहाल तो यहां तक का है, एफ और एच के बीच में दो पर्सन आने हैं, ठीक है। ई और जेड हैव एनिवर्सरी इन अक्टूबर, भैया ई और जेड की कब होगी, अक्टूबर में होगी, तो पॉसिबल है भैया ई ऊपर जेड नीचे आ जाए, ठीक है, या जेड ऊपर ई नीचे आ जाए, ई जेड या जेड, यही एक लाइन चलनी है अक्टूबर में। आगे क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन एनिवर्सरी बिटवीन द एनिवर्सरी ऑफ ई एंड वी, समझिए अब ई और वी के बीच में एक पर्सन आना है, दोनों चेंज हो सकते हैं, अभी मुझे ई और जेड का नहीं पता, क्योंकि ई यहाँ रखता हूँ तो जोड़ छोड़ के वी नीचे भी हो सकता है, ई को यहाँ रख के यहाँ तो आएगा नहीं, तो ई यहाँ रख के वी यहाँ भी तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है, वीज एनिवर्सरी नॉट इन सेम मंथ ऑफ एच, भैया वी की जो एच की मंथ कन्फर्म नहीं है, एच यहाँ नहीं आएगा, तो वी जब यहाँ नहीं आएगा तो कन्फर्म भैया ई कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ई नीचे आएगा तो अपनी ई वाली लाइन हो गई गलत, यहाँ छोड़ के आ जाएगा वी, इस लाइन से ये हो गया क्लियर, ठीक है। अभी तक सारी लाइनें बहुत ईजी हैं, कुछ टफ नहीं मिला है हमको। देयर आर सेम नंबर ऑफ एनिवर्सरी बिटवीन जेड और जी, भैया जेड और जी के बीच में जो नंबर है वो किस किस के भैया एफ और डब्ल्यू के बीच का बराबर है, एफ और डब्ल्यू के बराबर है जेड और जी का, ठीक है भैया, जी आ गया जेड ना आ रहा, अभी नहीं आ रहा, तो इस लाइन को करेंगे बाद में। डब्ल्यूज एनिवर्सरी इन अ मंथ ऑफ हैविंग 31 डेज, भैया समझिए अप्रैल में 31 होते हैं, ठीक है, नहीं अप्रैल में 30 होते हैं, सॉरी जून में 30, अगस्त में 31, अक्टूबर में अपना अक्टूबर में होता है 30 और दिसंबर में होता है 31, तो डब्ल्यू के कब भी है 31 वाले में, 31 वाले में तो अगस्त में आएगा दिसंबर में आएगा, ठीक है, या तो अगस्त या दिसंबर, समझिए उसने बोला है जेड और जी के बीच में, ठीक है, डब्ल्यू के 31 आएगा, अच्छा समझो अगर आप रखते हैं डब्ल्यू को यहाँ, डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5, पांच किसके बीच में आ गया, एफ और डब्ल्यू के बीच में, तो जेड और जी के बीच में पांच आना है, जेड यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, जी यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो पहली कंडीशन ये क्लियर है, डब्ल्यू यहाँ जी यहाँ, ये कंडीशन क्लियर, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। देयर इज नो वन एंसरी बिटवीन द एक्स एंड के, एक्स और के बीच में कोई नहीं आएगा, भैया जब एक्स और के नहीं आएगा तो कन्फर्म है वो यहीं आने दोनों, ठीक है। होज एनिवर्सरी इज एग्जैक्टली बिटवीन द एनिवर्सरी ऑफ ई एंड वाई, भैया ई और वाई के बीच में आना है एग्जैक्टली बीच में, ठीक है, किसकी, के की, समझो अब भैया क्या क्या बोला है उसने, एक्स और के आने हैं,
दोनों एक साथ आएंगे। के को अगर आप यहाँ रखते हैं तो उसने बोला है कि जो के है वो जितना ई से दूर है उतना ही वाई से दूर होना चाहिए। तो समझिए ई से कितना दो का गैप करके वाई के आ रहा है, तो यहाँ पर दो छोड़ के वाई आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, तो कन्फर्म है। एक्स यहाँ रखिए, के यहाँ रखिए, कितना का गैप है दो का, इन दो को छोड़कर कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है, कंडीशन अभी तक फुलफिल है। एक्स एनिवर्सरी नॉट सेम के, एक्स और के सेम नहीं है, नहीं आ रहे भैया, अलग अलग आ रहे हैं, बिल्कुल, तो कंडीशन अपनी सारी क्लियर है, ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। और अगर मेरे भाई ये फाइनल सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, अगर ये फाइनल सॉल्यूशन है तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपल अपना आंसर पर चल देना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स हैज मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है भैया, एक्स की जो है किस मंथ में चलना है, तो भैया एक्स के लिए हमें कब चलना होगा, जून के साथ जाना होगा। 15 अप्रैल को भैया कौन जा रहे हैं, एफ जा रहा है, नहीं 15 अप्रैल को जा रहे हैं जी, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना भैया, हाँ जी भैया, हाँ हाँ खुल रहा है बैंक, अभी तो पहले ये तो मालूम, पहले खुल रहा है नहीं खुल रहा है, हाँ तो वहीं जाकर फोन कर दियो एक बार, जब फार्म भरवा ले तो उसे दिखा दियो कार्ड को, ठीक भरा नहीं भरा तुमने, ठीक है, और ऐसा थोड़ा डाल देगा, फॉर्म लेकर भरना पड़ेगा, हाँ स्लिप भरेगा तभी तो मिलेगा, और एक स्लिप अपने साथ लेकर आइए। और सुन उसके पीछे क्या नाम है, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दियो, चेक के पीछे भी और जो स्लिप भरेगा उस पर भी, ठीक, ठीक है, चलिए क्या लिखा है भाई इसके बाद उसने, कर लेते हैं आगे। 18 दिसंबर को कौन है भाई, भैया 18 दिसंबर को जाएगा वी, तो कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, डब्लू की डेट, भाई डब्लू की डेट है अपनी कब, 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर, एक ग्रुप बनाते अलग है, के जी जेड डब्लू एक्स, के जी जेड डब्लू एक्स, ठीक है, के जी जेड डब्लू एक्स, क्या आ जाएगा, जी अलग आ जाएगा क्योंकि भैया कॉर्नर पर है, ठीक है, के जी जेड डब्लू एक्स, पहली बात तो कॉर्नर पे, दूसरी बात के का 15 में, जी का 15 में, ठीक है, जेड का 15 में है, ठीक है भाई, डब्लू का कब है, डब्लू का आपका 15 में, और एक्स का कब है भैया, एक्स का है 18 में। तो आप अभी कॉर्नर की बात ना करके आप अभी करेंगे बात डेट की, क्योंकि यहाँ डेट का क्वेश्चन भी दिया है, तो आंसर किसके साथ जाएंगे हम, पहले जाएंगे हम अपना किसके साथ भाई, एक्स के साथ, तो आंसर किसके साथ आएगा, नेक्स्ट नीचे वाला आएगा एक्स, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, करी भी करी जल्दी,
चलिए करें क्वेश्चन को। भाई एक लाइटर वेट की बात कही है, ठीक है, क्या लिखा है उसने, 7% डिफरेंट, डी इज हैवियर देन एस। भाई डी किससे बड़ा है, एस से हैवी है, बट नॉट एज हैवी एस क्यू, लेकिन इतना हैवी नहीं जितना क्यू, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि क्यू जो है वो बड़ा किससे होगा, डी से होगा। जेड इज लाइटर देन क्यू, भैया जेड किससे लाइटर है, क्यू से लाइटर है, तो क्यू ही बड़ा होगा। एस इज द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, सेकेंड है तो कन्फर्म भैया अभी एस 1% से और बड़ा होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, चौथा पर्सन यहाँ आ जाएगा अपना, ठीक है, और यहाँ आ गया पांचवा, यहाँ आ गया छठा, और यहाँ आ गया सातवा, 7% है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आर इज लाइटर देन ओनली 2%, आर जो है केवल 2% से लाइटर है, ठीक है, इस लाइन को सबसे बाद में करेंगे, आर इज लाइटर देन ओनली 2%। क्या लिखा है, एम इज लाइटर देन सी, भाई सी बड़ा है इसका मतलब एम से, सी बड़ा है एम से। डी इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, डी ने मना कर दिया कि डी यहाँ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। M इज लाइटर देन R, भाई M किस से लाइटर है, R से लाइटर है, एंड हैवियर देन T, N की बात चल रही थी। Q इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, भैया Q ने हम आने के लिए मना कर दिया। द वेट ऑफ सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन 72, 72 यहाँ आ जाएगा, एंड द सेकेंड हाइएस्ट 50। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, बस इसको हमें करना है, समझिएगा। R जो है केवल 2% से क्या है, R इज लाइटर देन ओनली 2%, कन्फर्म है R यहाँ पर आएगा, ठीक है, R जो है वो D से बड़ा है तो कन्फर्म है M यहाँ आ जाएगा, इस लाइन से क्लियर हो गया। C किससे बड़ा है भैया, M से बड़ा है, ठीक है, Q किससे बड़ा है, D से बड़ा है, और Q किससे बड़ा है, Z से बड़ा है, ठीक है, C किससे बड़ा है, M से बड़ा है। अब समझ लो भाई, आप Z को यहाँ पॉसिबल इजीली कर सकते हैं, Z को यहाँ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि समझिए क्यू जो है डी से भी बड़ा है, क्यू जेड से भी बड़ा है, और सी एम से भी बड़ा है, तो आपको इन दोनों को करना होगा। क्यू ने स्टार्टिंग में मना कर दिया, जब क्यू यहाँ नहीं आएगा तो क्यू कहाँ यहाँ आएगा, सी यहाँ आ जाएगा, सी एम से बड़ा है, बिल्कुल है, क्यू डी से भी बड़ा है, क्यू जेड से बड़ा होना, तो जेड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका सारा हो गया, बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइन थी, कोई टेंशन नहीं थी। क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ क्यू एंड आर 137, क्यू के पास कितने हैं 32, तो आप क्या कम करेंगे, 137 में से आप 72 घटा देंगे, 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, 3 और 3, 6, 65 ही आ गया, ठीक है, और भैया आपका R और D का कितना है, R और D का, Q एंड R का, अच्छा R का आ गया 65, R और D का ये किसका आया था भाई, R का आया था ना, हाँ, R एंड D का कितना है 120, तो आप 120 में से क्या करेंगे, 65 घटा देंगे, 45 और 20 बीच कर बन गया, अभी ये बन गया आपका, ठीक है, 55, तो आंसर कितना आएगा, 55 kg आ जाएगा, ठीक है, किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा, डी का आ जाएगा 55। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, पांचवा सबसे हैवीएस्ट पर्सन, 1, 2, 3, 4, 5 कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, हाउ मनी पर्सन आर लाइटर देन आर, आर से कितने पर्सन हल्के हैं, तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। ये अपना है इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। करिए जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए।
चलिए भाई देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो मैं देख पा रहा हूँ 76 मैथमेटिक्स पहले आया, फिर वो उसने अपनी प्लेस चेंज कर लिया, और वो प्लेस चेंज करके कहाँ मिला, सबसे लास्ट में मिला। तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है शिफ्टिंग का है। क्वेश्चन कैसा है? शिफ्टिंग का है, ठीक है। अगर क्वेश्चन शिफ्टिंग का है तो अब चलिए मैंने नंबर पहचाने भैया, नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इवन की बात है क्या? इवन ऑड की बात नहीं है क्या? प्राइम नंबर की बात है? प्राइम नंबर की भी बात नहीं है सर, ठीक है। तो अब करते हैं सम ऑफ नंबर। पहले में बना 3, फिर बना 4, फिर बना 7, फिर बना 10, फिर बना 13। तो डेफिनेटली बात है कि हमें सम ऑफ नंबर मिल चुका है। अब आते हैं वर्ड। क्या वर्ड असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं है। क्या नंबर ऑफ लेटर से क्वेश्चन करा गया है? नहीं करा गया है, क्योंकि सॉरी साइंस बीच में इन्होंने रखा हुआ है, साइंस बीच में रखा हुआ है। अच्छा, आपका आप कहते हैं वोवेल कॉन्सेंट की बात कर लेते हैं। तो पहले में कितने हैं? 2 वोवेल हैं। दूसरे में कितने हैं भाई? 2 ही वोवेल हैं। तीसरे में कितने हैं? 1, 2, 3, 4 वोवेल हैं। आगे वाले में 1, 2, 3। तो क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमको दिया है वोविल, ठीक है। वोविल और कॉन्सेंट वाली बात कही गई है, ओके। अच्छा, आगे कुछ और देखें भाई, क्या किसी और से आया? आई आई ई सी ए, सेकंड पर्सन से आया है बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसने कैसे चलाया होगा? क्वेश्चन चलाया होगा सेकंड पर्सन से, ठीक है। जो सेकंड लेटर है उसका अपना क्वेश्चन चलाया है इसने, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। समझिएगा बच्चे, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये सब कुछ दिया है। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट स्टेप? फोर्थ। भैया एक बार देखो, जब हम फोर्थ स्टेप लेकर चलेंगे तो सबसे बात है, जब एक ही स्टेप पर हमें नंबर और वोविल ऐड करने के लिए करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली बात आप क्या काम करेंगे उसका आधा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का आधा कितना हो गया? 5 हो गया। और 5 जब हम फोर्थ निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों लगेंगे सबसे पहले हम देखते हैं 9, 3, 12, 9, 4, 13 तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और जिसके बाद, ठीक है, टी का नंबर 20 होगा, टी का नंबर 5 होगा, टी का नंबर 20 होगा, ए का नंबर ये होगा और ए का नंबर ये होगा, ठीक है। तो मुझे क्या काम करना है भैया? इनमें लेके चलना है जो सबसे छोटा है, ए वाला ये है, ठीक है, ए वाले पे चलेगा। अच्छा, ए के बाद क्या है? टी। एक बात क्या है? बी। तो पहले ही आएगा, तो ये दोनों नहीं गिनूंगा, ये नहीं गिनूंगा। इसके बाद क्या? अगर नेचर आएगा तो आंसर किसके साथ जाएगा? नेचर के साथ जाएगा, ठीक है। आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा नेचर के साथ। आगे क्या बोला है? हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द बिटवीन? तो इस चीज़ को तो भाई, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का।
ठीक है भाई, इस सीरीज का क्या ही अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट से करिए। क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन करेंगे तभी कुछ होगा। एट पर्सन हैविंग डिफरेंट डेस्टिनेशन, जीएम, डीजीएम, ठीक है, एजीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेक्शन ऑफिसर, कैशियर, क्लर्क, ठीक है, और ऑर्डर जो होता है सीनियर टू जूनियर का वो यही ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। जीएम इज द सीनियर मोस्ट, ठीक है, क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट, सही बात है। ठीक है, तो आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन को ऐसे ही बना लीजिए जैसे इसने दिया दिया है। ठीक है, क्या लिखा है भाई, सबसे पहले जीएम है, ठीक है जी, फिर क्या है आपका डीजीएम है, फिर क्या आपका एजीएम है, फिर क्या आपका मैनेजर है, नेक्स्ट में क्या है आपका एएसएम, असिस्टेंट मैनेजर है, एएम, नेक्स्ट में क्या है आपका एसओ है, सेक्शन ऑफिसर, नेक्स्ट में क्या है कैशियर, और नेक्स्ट में क्या है क्लर्क। ये है, तो जल्दी से बताइए भी करके क्या आना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं क्वेश्चन में। करिए जल्दी करिए फटाफट से, फिर करते हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, टाइम लगाइए थोड़ा सा, ठीक है, टाइम दीजिए, लेकिन टाइम का मतलब जल्दी करना है। चलो भाई, तब तक मैं कंडीशन बना लेता हूँ अलग इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट लेस देन 4% आर सीनियर टू जी, ठीक है, जी से 4% से कम सीनियर नहीं होंगे, ठीक है, तो जी से जो है ऊपर की तरफ वो 4% से ज़्यादा होंगे, ठीक है, 4% से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अच्छा, आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन हुआ सीनियर टू ए, तो भैया ए से जितने पर्सन ऊपर आएंगे इतने ही सेम भैया बराबर बैठेंगे किसके, एच से नीचे की तरफ। ओनली 2% आर हैवियर देयर डेजिग्नेशन बिटवीन ए एंड जी, भैया ए और जी के बीच में केवल 2% आने हैं, ठीक है, ओनली 2% हैव देयर डेजिग्नेशन, ठीक है, बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच कितने परसेंट आएंगे, केवल 2% आएंगे। आगे क्या लिखा है, ओनली 3% हैव देयर डेजिग्नेशन बिटवीन एच एंड डी, यहां लिख देता हूं
एच और डी के बीच में 3%। सी इज सीनियर टू ई, सी जो है किससे भैया, ई से सीनियर है, ऊपर की तरफ ही रहेगा, एंड जूनियर टू बी। चलिए नो वन इज जूनियर टू एफ, एफ से कोई भी जूनियर नहीं है तो कंफर्म है एफ कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा, यहाँ एफ को लिख लेते हैं। एफ सबसे नीचे आएगा, ठीक है। बी इज नॉट डी जी एम, भैया बी यहाँ नहीं आएंगे भाई साहब, जल्दी से बताइए किस किस का हो गया अभी, किस किस का हो गया है। करें ठीक है, देखिए भाई उसने लिखा है कि बी जो है डीजे में है, चलो एफ सबसे नीचे, एफ से नीचे कोई नहीं आएगा। अब समझिए उसने, अगर आप बोल रहे हैं कि बी सी ई, ठीक है, बी यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब ये कंटिन्यू तो आएंगे नहीं, कंटिन्यू तो है नहीं, ठीक है। एच ओ डी के बीच में 3% है, एस से जितने नीचे है इतने ही इस ऊपर है, ए ओ जी के बीच में 2% है, ठीक है। अच्छा जी से ऊपर जो है क्या लिखा है, नॉट लेस देन 4%, मतलब कि 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। हाँ एक सेकंड बच्चे होल्ड रखिएगा ज़रा, हाँ चलो खुल रहा है, खुल रहा है ये, तो स्लिप लेकर भर दे, स्लिप लेकर भर दे, उसमें जो जो चीज़ मांग रहा है उसे भर दिया अच्छे से, ठीक है। जो जो चीज़ मांग रहा है ना उसमें, उसमें पिन भर दियो और चेक के पीछे मेरा नंबर डाल दियो, ठीक है। हाँ और उसमें डबल स्लिप होगी तो एक स्लिप अपने साथ ले भर के और वहाँ डाल दियो, ठीक है, अच्छे से भर दियो। ठीक है चलिए क्या लिखा है सबसे पहले देखते हैं, कोई ऐसी लाइन नहीं दी है एफ की, यहाँ दे दिया, बाकी और कोई लाइन ऐसी है नहीं। तो उसने यहाँ लिखा है कि आपको जी के ऊपर कम से कम 4%, नॉट लेस देन 4%, मतलब 4 तक तो होने चाहिए। तो भैया कंडीशन है 4 होंगे तो यहाँ तो आना नहीं है, यहाँ आ जाएगा पहली कंडीशन पर ए, सॉरी कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी, ठीक है। ए और जी के बीच में कितने परसेंट है, 2 है, तो जी को यहाँ, इन दो को छोड़कर ए यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ए से ऊपर जितने परसेंट है उतने एच से नीचे है, तो एच यहाँ पर आएगा इस कंडीशन का, ठीक है। ये कंडीशन क्लियर, ये भी क्लियर, जी से ऊपर 4%। अच्छा क्या बोला है उसने, उसने बोला है बी तो यहाँ है नहीं, ठीक है। क्या बोला है, एच ओ डी के बीच कितने परसेंट है भैया, 3 है, तो 1, 2, 3, इन तीन को छोड़कर कौन आएगा, अपना डी आएगा, जबकि डी यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि वो अपने किसको बैठा दिया है, जी को। तो पहली कंडीशन गलत, कंडीशन पर चलते हैं इस पर जी, ठीक है। जैसे मैं इस पर चलता हूँ तो बाकी का मुझे सारी चीज़ हटानी पड़ेंगी, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और इसको भी। अच्छा वहाँ तो यार मैं जी को रख ही नहीं सकता था, क्यों एफ तो फिक्स है ना नीचे, और तो ये तो हमने ध्यान भी करा, मैं भी देखा 2-2% कैसा है, ठीक है। जी और ए के बीच में 2% है तो नीचे तो आ नहीं सकता, भाई यहाँ आ जाएगा इन दो को छोड़कर ए, ठीक है। क्या बोला है, जितने ए से ऊपर हैं उतने एच से नीचे हैं, तो भैया ए से ऊपर कितने हैं, 2, तो आपको एच के नीचे 2 आने ही आ जाएगा, नहीं आएगा तो ये भी कंडीशन गलत, ये भी कंडीशन गलत, ठीक है। अब आपकी कंडीशन सिर्फ क्या बची है, ठीक है, और लास्ट जो कंडीशन है आपकी यही वो बच के चली है कि आप जी को कहाँ रखें, हम कैशियर पर रखें, ठीक है। जी को कहाँ रखें, कैशियर, जी को आपने यहाँ रखा, जी और ए के बीच में 2% है, 2 आप यहाँ रख सकते हैं ए, ठीक है। क्या बोला भैया उसने कि
ए और जी के बीच में दो नकार है, इन दो को छोड़कर ए यहाँ रखे पहले, ठीक है। ए से जितने ऊपर हैं, एक दो तीन, इन ए से ऊपर 3% है, तो इतने ही जी से नीचे, इतने एच से नीचे। तो भैया एच से, यार कुछ गलत किया था क्या मैंने इसे कर लेंगे, रुकना भी एक मिनट जरा। जी को अगर यहाँ मानता हूँ तो इन दो को छोड़कर कौन आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है। ए से ऊपर जितने पर्सन है उतने एच से नीचे, तो एच तो यहाँ नहीं रहा था, हाँ यहाँ नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि जी आ रहा था ना यहाँ पे, ठीक है ठीक है। मैं सोचा था कभी ये भी कुछ पहली वाली लाइन में हम गलत करके बैठ गए, ठीक है। तो ए और जी के बीच में कितने पर्सन है, दो। ए से ऊपर जितने पर्सन है, एक दो तीन है, उतने ही एच से नीचे होने, तो एच को कहाँ प्लेस करेंगे आप, यहाँ पर, एक दो तीन यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा इस लाइन में, ठीक है। एफ आपका यहाँ पर आ ही रहा है भाई, एफ आपका इस लाइन में तो है ही यहाँ पर, तो एच से नीचे एक दो तीन, ए से ऊपर एक दो तीन, ठीक है। जी से ऊपर 4%, कम से कम 4, ये अपना कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। एच और डी के बीच में कितने पर्सन है भैया, 3, एक दो तीन, इन तीन को छोड़कर डी ऊपर आ सकता है, नीचे तो आएगा नहीं, तो डी प्लेस यहाँ करेंगे, कंप्लीट हो गया। क्या लिखा है भैया, बी यहाँ नहीं आएगा, बी जो है बी के नीचे सी आएगा और ई से ऊपर आना है, बी के नीचे सी आएगा और ई से ऊपर आना है। तो एक बात देखो भाई, सी जो है किससे, रुकिएगा भाई जरा, हाँ अच्छा रुक जा देखता हूँ, रुक 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 लाइन पर है, यही है, इसी बात है, अरे लिखा तो है सब कुछ, उसमें चेक वो नहीं लेगा, तो चेक बुक बुक ना लेके गया है, हाँ लिख दो उसमें, सुन हेलो, उसमें अपोर्ट की जगह डालियो प्लक्का, दो से ले ले, प्लक्का मेन ब्रांच डालियो हापुड़ की जगह, चल तो एक काम कर, जैसे इसमें लिख रहा है ऐसे डाल दे, ऐसे डाल दे, डाल दे डाल दे ऐसे डाल दे, ठीक ठीक ठीक। एक मिनट रुकिएगा भी जरा बच्चों, चलिए ठीक है। तो क्या था अभी अपना, तो यहाँ तक हम हो कर लिया था, एच ओ डी के बीच में कितने थे, 3 थे। अब यहाँ एक कंडीशन है कि भाई बी के नीचे सी रहेगा, भैया बी के नीचे सी रहेगा, तो बी आप यहाँ सी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। बी के नीचे कौन रहेगा, सी रहेगा, और सी जो है किस ऊपर रहेगा, ई से ऊपर रहेगा, तो ई को तो यहीं बचा। अब ई के नीचे यहाँ सी, अब बी वाली कंडीशन हो गई, तो बी ने तो मना कर दिया, तो इसके लिए ये क्वेश्चन कंडीशन हो गई गलत, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, गलत हो चुकी है, ये कंडीशन है आपकी गलत। तो उसने यहाँ पे बोला था कि बी जो है डीजीएम नहीं है, और नो वन इज जूनियर टू एफ, ठीक है। एफ कहाँ रहेगा, सबसे नीचे वाली कंडीशन पर रहेगा, एफ यहाँ पे रहेगा और बी यहाँ नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है कि जी से ऊपर कम से कम 4 रहेंगे, ठीक है, 4 तो रह सकते हैं, नॉट लेस देन 4% सीनियर टू जी, मतलब कि जी से जो है सीनियर 4% से कम नहीं, ठीक है, 4% हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा।
तो हमने अभी यहाँ पे जी को माना है जिससे हमारी कंडीशन गलत हो चुकी है, तो एक काम करते हैं एक बार यहाँ मान लेते हैं जी को, ठीक है, जी को कहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, ठीक है। अब पहले भाई थोड़ा समझिए जल्दी, क्या लिखा है, जी से ऊपर 4% है, तो मैंने यहाँ पे कितना रखा था, यहाँ से कंडीशन थी, ठीक है, एक कंडीशन अपनी ये हो सकती है, इससे ऊपर 4%, 1 2 3 4, 4 से कम तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जी को यहाँ रखता तो इससे ऊपर कितने हो गए 3, तो एक यही कंडीशन बननी है, या तो यहाँ या यहाँ आए, ठीक है, जी सौ पर 4%। अच्छा क्या लिखा है, ए और जी के बीच में 2% है, तो यहाँ इन दो को छोड़कर ए यहाँ नहीं आएगा, तो इन दो को छोड़कर यहाँ ए आ सकता है, ठीक है, इन दो को छोड़कर नीचे ए नहीं आएगा, कंडीशन गलत है, तो यहाँ पर ए आ सकता है, ए से ऊपर जितने पर्सन है, ए से ऊपर कितने पर्सन है, 2% है, यहाँ पर एच से नीचे सेम पर्सन आने हैं, ठीक है, तो एच से नीचे, एच को यहाँ रख नहीं सकता, कंडीशन गलत हो गई, ठीक है, ए से ऊपर 1% है, तो यहाँ पर तो एफ आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, एच आएगा, एक कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन गलत थी, ये भी अपनी गलत थी, इस पर बात करते हैं, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ए और जी के बीच में 2% है, ये भी कंप्लीट, एच और डी के बीच में 3, 1 2 3, इन तीन को छोड़ दिए, 1 2 3, इन तीन को छोड़कर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया, क्या लिखा भैया, बी यहाँ नहीं होगा, बी से नीचे सी आएगा, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आएगा और ई आ गया, ठीक है, ये कंप्लीट। क्या लिखा है पहली लाइन में, वो अमंग द फॉलोइंग एजीएम कंपनी का, एजीएम कौन है भैया, डी आ जाएगा, ठीक है, एक समूह नहीं है, डी एजीएम है क्या, डी एजीएम है, बी मैनेजर है, बी मैनेजर है नहीं है, ठीक है, सी कैशियर है, सी कैशियर है नहीं है, ए असिस्टेंट मैनेजर है, ए एएम है नहीं है, तो आंसर क्या आएगा अपना, वही आएगा डी वाला, डी एजीएम जो है, ठीक है, डी जो है अपना एजीएम। क्या बोला है, ई से कितने परसेंट जूनियर हैं, ठीक है भैया, ई से कितने परसेंट जूनियर है, 2% है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू, डी इज द जीएम, ठीक है, डी जीएम है नहीं है, ठीक है, ओनली एफ इज जूनियर टू जी, केवल एफ ई जी से छोटा है, नहीं है, बी सीनियर मोस्ट सीनियर पर्सन, बिल्कुल है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू डी, भाई डी से कितने पर्सन जूनियर है, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर फाइनल है, तो आज की, ठीक है, जोनस टेलीग्राम, थैंक यू, ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, चलिए।